बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द यूरोगायनोकोलॉजी एंड द पेल्विक फ्लोर प्रॉब्लम्स. ठीक है, यूरिनरी सिम्टम्स को हमने डिवाइड किया होता है टू यूरिन स्टोरेज सिस्टम होती है और रिलेटेड टू द वॉइडिंग होती है. ठीक है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का क्या मतलब होता है? जब भी कोई स्ट्रेस लेंगे जैसे कि कफ, स्ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, तो फिर ये यूरिनेशन की प्रॉब्लम आएंगी. ठीक है, मोस्ट पेशेंट प्रेजेंट विद अ मिक्स ऑन इनकॉन्टिनेंस विच इज द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस अकर विद द फ्रीक्वेंसी अर्ग एंड द अर्ग इनकॉन्टिनेंस. अब ये हम आगे इसको डिफरेंस देखेंगे क्या होता है. सबसे पहले तो हमने यूरिनरी स्टोरेज सिम्टम्स देखनी है, यूरिनरी वॉइडिंग सिस्टम सिम्टम्स. ठीक है, अब यूरिन स्टोरेज की सिम्टम्स क्या होगी? ये होगी कि अगर फ्रीक्वेंसी पेशेंट कंसीडर शी वॉइड्स टू ऑफन बाय द डे. ओके, क्योंकि मुझे बार बार यूरिन आता है. ठीक है, नॉक्टूरिया. नॉक्टूरिया का मतलब है कि वेकिंग एट द नाइट, रात को से एक से दो बार उठना पड़ता है अवॉइड करने के लिए. ठीक है, अर्जेंसी अर्जेंसी अ सडन कंपेलिंग डिजायर टू पास द यूरिन विच इज डिफिकल्ट टू डिफाइन. मतलब कुछ भाग के जाते हैं कि मतलब निकलना चाहिए. ठीक है, यूरिन पास ना हो जाए. अर्जेंसी सडन कंपेलिंग डिजायर टू पास द यूरिन. अर्ग इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? इनवॉलेंट्री लीकेज अ कंपेन और इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय द अर्जेंसी. ठीक है, इसमें क्या होगा? इनवॉलेंट्री लीकेज हो जाएगी और सेम कंपेन बाय द अर्जेंसी. ठीक है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो हो जाता है ये इनवॉलेंट्री लीकेज की वजह से होता है. एफर्ट, एक्सर्शन, स्नीजिंग और कफिंग की वजह से. नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस हो जाती है, इसके अंदर लॉस ऑफ द यूरिन अकरिंग ड्यूरिंग द स्लीप. स्लीप दौरान ही यूरिन लॉस हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यूरिन वॉइडिंग सिम्टम. ये तो हमने देखे यूरिन स्टोरेज. अब वॉइडिंग के देखें, स्लो स्ट्रीम, बहुत स्लो स्ट्रीम होगी इसके अंदर. रिड्यूस यूरिन फ्लो, स्प्लिटिंग और स्प्रिंग, मतलब कि कभी वेयर द स्ट्रीम और यूरिन इज नॉट अ सिंगल फ्लो. ठीक है, स्प्लिट होकर आ रहा होगा. ठीक है, इंटरमीटिंग रुक रुक के आना. यूरिन फ्लो डेट स्टॉप्स एंड स्टार्ट, रुकते हैं फिर स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, हेजिडेंसी, मतलब इसको है कि जब स्टार्ट करने से पहले थोड़ी देर लगती है. डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग मिक्चुरेशन रिजल्टिंग इन द डिले इन द ऑनसेट ऑफ द वॉइडिंग. ठीक है, टर्मिनल ड्रिबल अ प्रोलॉन्ग फाइनल पार्ट ऑफ द मिक्चुरेशन व्हेन द फ्लो हैज अ स्लो टू बी ट्रिकल और ड्रिबल. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को. स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बेसिकली क्या होता है? जब भी मैंने आपको कहा था कि कोई स्ट्रेस होगा, ठीक है, तब यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी. सेकिंग एंड द वीकनेस ऑफ द ब्लैडर नेक ड्रेन इनटू द पेल्विक फ्लोर में, मसल्स में भी जा सकते हैं. अब ये देखो, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इज अ रीजनेबल गुड प्रिडिक्टर ऑफ द पेल्स ऑफ द इनकॉम्पिटेंट. जब भी यूरिथ्रस स्फिंक्टर इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा. यूरिथ्रस स्फिंक्टर वीकनेस इन मोस्ट केसेस. अब स्फिंक्टर की वीकनेस की मोस्ट कॉजेज क्या होगी? अगर तो हाइपर मोबिलिटी हो, ठीक है, वेयर द पेल्विक फ्लोर एंड लिगामेंट्स कैन नॉट रिटेन द. यहाँ पे क्या होगा कि जब भी वीकनेस होगी, जो लिगामेंट्स हैं वो यूरिथ्रा को उसकी पोजीशन पे नहीं रखेंगे. एंड इट फॉल्स थ्रू द, ये फॉल्स जाएगा थ्रू द यूरोजेनिटल हाइनेस ड्यूरिंग द. जब एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये फॉल हो जाएगा. ठीक है, लीडिंग टू द लॉस ऑफ द प्रेशर ट्रांसमिट. प्रेशर ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लिगामेंट्स जो थी वही उसी की सपोर्ट वीक हो गई. लॉस ऑफ द प्रेशर ट्रांसमिशन टू द यूरिथ्रा एंड हेंस द लीकेज ऑफ द यूरिन. ठीक है, प्रेशर ट्रांसमिट नहीं होगा और लीकेज ऑफ द यूरिन स्टार्ट हो जाएगी. इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डेफिशिएंसी इज लेस कॉमन इन अकर्स वेयर द यूरिथ्रल क्लोजर प्रेशर इज लो विदाउट एनी यूरिथ्रल मोबिलिटी. यूरिथ्रस स्फिंक्टर वीकनेस इज एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ द वजाइनल बर्थ. वजाइनल बर्थ में इसकी हिस्ट्री हो सकती है वीकनेस की. ऑब्स्टेट्रिक रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, इसके अंदर ओवर स्ट्रेचिंग होगी. ठीक है, डैमेज होगी पोटेंटल नर्व. ओवर स्ट्रेचिंग होगी, एवल्शन ऑफ द पेल्विक फ्लोर, डायरेक्ट मसल डैमेज हो सकता है. ठीक है, यूरिथ्रल हाइपर मोबिलिटी हो सकती है, पोटेंटल नर्व जो है वो उसका डैमेज हो सकता है. वीकनेस आएंगी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिस्क फैक्टर फॉर द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. इसके अंदर क्या होता है कि मल्टीपैरिटी होगी. ठीक है, पर्टिकुलरली द वजाइना बर्थ. वजाइना, जब देखो जब भी वजाइनल बर्थ होती है तो मल्टीपैरिटी होगी, तो जो मसल्स होंगे वो वीक हो जाते हैं. फोर्सेप्स डिलीवरी की हो, पेरिनियल ट्रोमा हो, ठीक है, लॉन्ग लेबर, एपिड्यूरल एनालजेसिया यूज़ किया हो, बर्थ वेट 4 kg से ज़्यादा हो, ठीक है, एज ज़्यादा हो, पोस्ट मेनोपॉज हो, ओबेसिटी की स्टडी ऑप्शन, सिग्निफिकेंट वेट लॉस अमंग ओबेस वुमेन, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो सकती है, क्रॉनिक कफ हो सकती है. कि रिस्क फैक्टर का भी यूक्यू आता है, इसे आपने अच्छे से देखना. मल्टीपैरिटी, फोर्सेप्स डिलीवरी, डिवाइस करने से पेरिनियल ट्रॉमा हो सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, बर्थ वेट ज़्यादा था, ठीक है, इंक्रीज एज ओबेसिटी हो सकती है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है, कोई क्रॉनिक कफ की वजह से मसल वीक हो जाते हैं, पेल्विक फ्लोर के कोई भी ड्रग यूज़ करता है. ठीक हो गया. ठीक है, अब इसके अंदर हमने ये तो देख लिया रिस्क फैक्टर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. अब हम देखेंगे डिट्रोजर ओवर एक्टिविटी. इसके अंदर क्या होगा? इट इज करेक्टराइज बाय द इनवॉलंटरी डिट्रोजर कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द, जब भी फिलिंग मिक्चुरेशन की फिलिंग फेस होती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, डिट्रोजर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. ठीक है, उसकी ओवर एक्टिविटी हो जाती है. पेशेंट डिट्रोजर एक्टिविटी में क्या होगा कि पेशेंट जो है वो कहेगा ओवर एक्टिव ब्लैडर है, ओवर एक्टिव ब्लैडर हो गया. ठीक है, उसका मे नॉट बी इनकॉन्टिनेंस. ठीक हो गया, इटियोलॉजी इज पोअरली अंडरस्टैंड, डिफरेंस इन द सेंसरी एंड द इंटरस्टिशियल नर्व. ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या है कि डिट्रोजर जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो इनवॉलंटरी हो गई है, कब, जब जो फीलिंग फेस होती है ना मिक्चुरेशन की, तब स्टार्ट होती है ड्यूरिंग द यूरोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, नेक्स्ट देखें जो डिट्रोजर ओवर एक्टिविटी के रिस्पेक्ट क्या हो सकते हैं. चाइल्डहुड बेड वेटिंग हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, स्मोकिंग, हिस्टेक्टमी और प्रीवियस कोई भी सर्जरी हुई है. स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस तो ये थी कि कोई भी स्ट्रेस ले रहे थे, ठीक है, मतलब कि कफ कुछ भी इस तरह था तो फिर इनकॉन्टिनेंस हो रही थी. लेकिन डिट्रोजर ओवर एक्टिविटी में क्या हो रहा था कि इसमें इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है. ठीक है, जब भी फीलिंग फेज होती है मिक्चुरेशन की, तो यहाँ पे क्या होता है कि फौरन से जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो स्टार्ट हो जाती हैं. ठीक हो गया, अब यहाँ पे देखें, अब जैसे उन्होंने ए पार्ट, यहाँ पे पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो गए हैं, यहाँ पे देखो उसकी कॉन्ट्रैक्शन इधर से इंक्रीज हो गई है जब फीलिंग फेज स्टार्ट हुई है. ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, अब जो सी पार्ट में उन्होंने बताया डिट्रोजर मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज प्रेशर करेगा, प्रेशर राइज होगा तो इससे लेकर अर्जेंसी होगी. अब हमने अभी पढ़ा था कि अर्जेंसी हम किसे कहते हैं? सडन कंपेलिंग डिजायर टू पास द यूरिन विच इज डिफिकल्ट टू डेफर. ठीक है, यूरिन लीकेज ओनली अकर इफ द पेल्विक, यूरिन लीकेज तभी होगा पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाएंगे. लेकिन यहाँ पे ओवर फीलिंग की पेशेंट को फील आ रही होती है. ठीक है, अब रिस्क फैक्टर इसमें चाइल्डहुड बेड वेटिंग है, ओबेसिटी या स्मोकिंग हिस्ट्री
वास्टेक्टमी हुई या कोई सर्जरी हुई है तो वीक हो जाते हैं, ठीक है। अपना हमने जो क्लिनिक असेसमेंट ये कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मैंने साइड पर पॉइंट लिखे आपको समझ तो नहीं आ रही होंगी, लेकिन मैं बोलूँगी तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ना हमने क्लिनिकल असेसमेंट कैसे करनी है, बेसिकली सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, हिस्ट्री लेंगे, नंबर ऑफ द एपिसोड्स पर डे, मतलब आपको कितना फ्रिक्वेंटली आता है, ठीक है। अर्जेंसी कोई लीकेज तो नहीं होती, ठीक है। कॉन्टिनेंस देखेंगे, कोई पैड नीड यूज़ करने पड़ते हैं आपको, इफ नीडेड अगर तो अगर पैड यूज़ करने पड़ते हैं तो कितने आप चेंज करती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप उसे पूछेंगे कि फिर आप इसके अंदर देखेंगे भी उसका जो बिहेवियर चेंज है वो देखेंगे, फ्लूइड इनटेक देखेंगे, इसके अलावा आपने एनोबिलिटी तो है या सॉरी से कोई और भी सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, फिकल इनकॉन्टिनेंस देखेंगे, सेक्सुअल डिफिकल्टी तो नहीं हो रही, मॉर्बिडिटी तो नहीं है, रेड फ्लैग्स में देखेंगे हिमाचूरिया तो नहीं है या फिर रेक्टल ब्लीडिंग, ठीक हो गया। अब आपने इसमें क्या लेना है, हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। उससे सारी पूछेंगे कि कितनी एपिसोड्स आती हैं, कितनी अर्जेंसी होती है, लीकेज होती है, ठीक है। कॉन्टिनेंस इतनी कॉन्टिनेंस होती है कि पैड की जरूरत पड़ती है, कितने लेते हैं, अंडर क्लोथ तो नहीं चेंज तो नहीं करने पड़ते आपको, ठीक है। बिहेवियर चेंज देखेंगे, फ्लूइड इनटेक देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा और आप सिम्टम्स पूछेंगे फिकल इनकॉन्टिनेंस की, सेक्सुअल डिफिकल्टी की, मॉर्बिडिटीज और हिमाचूरिया और रेक्टल ब्लीडिंग देखेंगे, ठीक है। ये सारी बातें आपने लिखते नहीं है। फिर नेक्स्ट जो है इसके अंदर हमने कहना है कि उसका फिजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम यूरिन एग्जामिन पहले तो जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। फिर हम उसका पेल्विक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, सॉरी पेल्विक पोजीशन में लिथोट्रोपी पोजीशन के अंदर, ठीक है। स्पेकुलर एग्जामिनेशन करेंगे, विजिबल लीकेज अगर नजर आ रही होगी उसे देखेंगे, वाइटिवल सोल्वा कफ करवा के देखेंगे, पेशेंट एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स मसल के पेशेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और होल्ड कर सकते हैं अपने मसल्स को, ठीक है। इन्वेस्टिगेट तो हमने सारी हिस्ट्री ली, फिजिकल एग्जामिनेशन देख लिया, अब हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो मिड स्ट्रीम यूरिन होता है ना उसका स्पेसिमेन लेंगे, ठीक है। फ्लोमेट्री लेंगे जिसे हम फ्लो ऑफ द यूरिन को मेजर करेंगे, ठीक है। एमआरआई करवा के देखेंगे, इसके अलावा वीडियो सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी करवा के देखेंगे, यूरिथ्रल जो प्रेशर है प्रोफाइलोमेट्री उसको देखेंगे। अंदर यहाँ से पहले तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस पाती वीकनेस यूरेथ्रा स्ट्रिंग और जो डिट्रोजर ऑफ एक्टिविटीज में अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी नॉक्टूरिया हो सकता है। अब इसके अंदर ना हम ट्रीटमेंट देखें, इसका ट्रीटमेंट जो है ना इनकॉन्टिनेंस हो रही है, बेसिकली लीकेज हो रही है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने या तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देना होता है या फिर हमने जो भी आगे पहले एक्सरसाइज और ट्रेनिंग वाला देखते हैं। अभी हमने कंजर्वेटिव के अंदर तो क्या करना होता है कि बिहेवियर थेरेपी देनी है, लाइफ स्टाइल चेंजेस करवाएंगे, एडवाइस करेंगे अबाउट द फ्लूइड बैलेंस करें, ठीक है। कैफीनेटेड ड्रिंक को अवॉइड करें, ठीक है। वेट ब्लैडर रीट्रेनिंग करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ब्लैडर की रीट्रेनिंग करवा के देखेंगे, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज बताएंगे, ठीक है। वजाइनल कॉन्स देंगे, ठीक है। पेरिनोमेट्री के अंदर बायोफीडबैक देंगे, कीगल पेरिनोमेट्री और विजाइनल मैनोमेट्री, इसके अंदर क्या करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट फॉर मायरिंग टेस्ट, इसके अंदर जो वॉलेंट्री मसल्स होता है उसके कॉन्ट्रैक्शंस को मेजर करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेज को जब लेबर होगी तो उसे शॉर्टन रखेंगे, और सिस्टोमेट्री और यूरोडायनामिक स्टडीज करवाएंगे। आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपकी पॉइंट्स लिखे हैं और सिर्फ ये कर लें तो इनफ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर तो कोई भी वुमन आई है उसको यूरिनरी सिस्टम शो हो रहा है, हिस्ट्री एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस करवाया, ठीक है। ब्लैडर पैड टेस्ट करवाया, ठीक है। इसके अलावा आपने रीनल ट्रैक सिस्टोस्कोपी, ठीक है। अब देखो ओवर एक्टिव और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या डिफरेंस है, इसमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के अंदर पेल्विक मसल ट्रेनिंग होगी, यूरोडायनामिक टेस्टिंग करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर टेप होती है, कोल्पो सस्पेंशन ये कर सकते हैं, लेकिन ओवर एक्टिव ब्लेडर के अंदर ब्लेडर रीट्रेनिंग करवाएंगे, एंटीकोलिनर्जिक देंगे और बोजोनियम टॉक्सिन सेकेंड न्यूरोमोडुलेशन, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। एडवाइस कैफीनेटेड ड्रिंक को एक्सरसाइज, ठीक है। ब्लेडर रीट्रेनिंग है, रिड्यूस करेंगे वेट को, ठीक है। केगल पेरिनोमेट्री है, इसके अलावा सेकंड स्टेज को शॉर्टन रखेंगे, सिस्टोमेट्री है, यूरोडायनामिक स्टडीज है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा आपने ये लिख देंगे, ये ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखो उसने बताया कि यूरोडायनामिक, ये याद रखेंगे हम जो यूरोडायनामिक टेस्टिंग है ना, सॉरी यूरोडायनामिक टेस्टिंग है, इसे हम क्या करते हैं, लुक फॉर द प्रॉब्लम्स विद द फीलिंग एंड, इसमें हम देखेंगे कि जो यूरिन जब भी ब्लैडर में फिल होगा उसकी फीलिंग और एम्प्टिंग कैपेसिटी ऑफ द यूरेटर, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट देखें, इसको हमने मेजर कैसे करना, जो डिट्रोजर का प्रेशर होता है ना, डिट्रोजर प्रेशर को आपने कैसे मेजर करना होता है, जो ब्लैडर का प्रेशर होगा प्लस माइनस करेंगे उसे एब्डोमिनल प्रेशर के साथ, ठीक हो गया। ये यूरोडायनामिक टेस्टिंग होती है, ठीक है। यूरोडायनामिक डायग्नोस कैसे करते हैं, डिट्रोजर ओवर एक्टिव द प्रेस होगा, डिट्रोजर कॉन्ट्रैक्शन विद आउट सेंसेशन ड्यूरिंग द फीलिंग, इनकॉन्टिनेंस के अंदर लीकेज होगी, यूरोडायनामिक स्ट्रेस फ्रॉम लीकेज फ्रॉम द यूरेथ्रा इन एसोसिएशन विद राइज इन द एब्डोमिनल प्रेशर, मिक्स इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, यही जो मैंने अभी आपको फॉर्मुला बताया था ये था, ठीक हो गया। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर अगर तो मैंने आपको बताया कि डिट्रोजर ओवर एक्टिविटी होगी ना, तो हमने उसके अंदर क्या देना होता है, इसमें हमने ऑक्सीब्यूटेनिन देना होता है, एंटीकोलिनर्जिक देते हैं और सोलिफेंसिन देते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ भी ये पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, जो मैं बस पॉइंट्स बता रही हूँ यही लिखते रहे। इसके अलावा ट्रोस्पियम दे सकते हैं, ये भी आ जाता है। अब ये देखो, हमने इसके अंदर ना एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन देनी होती है, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन के अंदर हम कौन से देते हैं, ऑक्सीब्यूटिनिन 2.5 से 5 मिलीग्राम 3 टाइम्स देनी है, ठीक है। इसके अलावा प्रोपीवेरिन देनी है 15 मिलीग्राम, ट्रोस्पियम देंगे, टोलटेरोडीन देंगे, फिर स्टेरोडीन देंगे, सोलिफेंसिन देंगे, डेलिफेंसिन, ये सारी एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन होती है, ये हमने किसके अंदर देनी होती है, ओवर एक्टिव ब्लैडर के अंदर, ठीक हो गया। इसके अलावा हमने नेक्स्ट देखते हैं, जब हमने पढ़ा ये पढ़ा ना स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, इसके अंदर या तो हम कॉल्पो सस्पेंशन कर रहे थे या फिर हम मिड यूरेथ्रल टेप यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट इंटायर टेप ने जो है वो रिप्लेस कर दिया कॉल्पो सस्पेंशन को, ठीक है। अब हम देखते हैं टेप का रोल क्या होता है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि मिड यूरेथ्रल टेप, इसमें क्या करते हैं, प्लेस अ पीस ऑफ द जो सिंथेटिक मटीरियल होता है वो स्लिंग के तौर पर हम कर देते हैं अंडर द यूरेथ्रा टू सपोर्ट इट, ठीक है। इसके अलावा रेट्रोप्यूबिक स्लिंग यूज कर सकते हैं और थर्ड ट्रांस ऑब्चुरेटर स्लिंग, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो रोल ऑफ द टीवीटी, ये यूक्यू भी आया हुआ है कि टीवीटी का रोल क्या होता है, ये एक तो जब भी हम टेप लगाते हैं क्यों लगा रहे हैं, ताकि यूरिन लीकेज कम हो जाए, ठीक है। इसके अलावा ये शॉर्ट टाइम प्रोसीजर होता है अंडर दी लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, शॉर्ट टाइम प्रोसीजर होता है, मेजर एडवांटेज होता है इन द सर्जरी फॉर द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की सर्जरी के लिए करते हैं, इट प्रोवाइड्स द सब
यूरिथ्रस पोर्ट, ठीक है, ये सब यूरिथ्रस पोर्ट प्रोवाइड करती है। इंसर्शन ऑफ द प्रोलीन, यहाँ पे प्रोलीन टेप जो होती है इंसर्ट करती है अंडरलाइंग द मिड यूरिथ्रा, ठीक है। स्मॉल वजाइना विद टू टाइनी एब्डोमिनल इंसियन, यहाँ पे या तो हम कैसे टेप लगाते हैं, टू स्मॉल वजाइनल देते हैं टू टाइनी एब्डोमिनल इंसियन, और फिर वहाँ पे प्रोलीन टेप को लगा देते हैं, ठीक है। ये सारी बातें होंगी। अब यहाँ पे देखो, ये तो मैंने आपको ड्यूट्रोसर ओवर एक्टिविटी की बताई है ना, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के अंदर मीडियो। अब यहाँ पे हम सर्जिकल, ये तो मेडिकल ट्रीटमेंट देखा था हमने, सर्जिकल ट्रीटमेंट में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में मीडियो थे टेप, इसके अलावा कॉल्पस सस्पेंशन, ठीक हो गया। इसके अलावा हमने देखा है ट्रांस ऑब्स्ट्रक्टिव प्लेसमेंट कर सकते हैं, ब्रश कॉल्पस सस्पेंशन कर सकते हैं, ठीक है, पेरी यूरेथ्रा टेप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स के अंदर मैक्रोप्लास्टिक ड्यूरास्फीयर और वेलकम इंट आ जाती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखो, ड्यूट्रोसर ओवर एक्टिविटी के अंदर जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है ना, वो तो यहाँ हमने या तो सेक्रल की न्यूरोमॉड्यूलेशन करनी होती है, यहाँ पे बॉटुलिनम टॉक्सिन को इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसके यूक्यूज देखते हैं। UQ देखते हैं, 50 ईयर ओल्ड पेशेंट, 5 नॉर्मल डिलीवरी, प्रेजेंट द कंप्लेन ऑफ द लीकेज ऑफ द यूरिन, व्हेन एवर शी कफ और स्नीज शी इज एंशियस, इज डिस्टर्बिंग हर डेली लाइफ, ठीक है। अब देखो, कफ की वजह से, किसी भी स्ट्रेस की वजह से हो रही, तो क्या होगी, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस लीकेज हो रही है ना, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमने इसके अंदर मिड स्ट्रीम यूरिन लिया था, ठीक है, ब्लड डायरी बनाई थी, उसके इनपुट आउटपुट मैंने किया था 24 और यूरिन पैड टेस्ट किया था हम, ठीक है। पेल्विक रीनल ट्रैक अल्ट्रासाउंड किया, MRI किया, सिस्टो यूरिथ्रोस्कोपी किया, वीडियो सिस्टो यूरिथ्रोस्कोपी, यूरोफ्लोमीटर, यूरिथ्रल प्रेशर प्रोफाइलोमेट्री की थी और एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एडवाइस किया था, फ्लूइड इंटेक, ब्लड रीट्रेनिंग करवाई थी, पेल्विक मसल एक्सरसाइज बताई थी, ठीक है, वेट रिडक्शन करवाई थी, शॉर्टन द सेकंड स्टेज और डिक्रीज द ट्रॉमेटिक डिलीवरी। सर्जरी के अंदर वही TVT और TOT टेप आ जाती है, मिड यूरेथ्रल टेप और कॉल्पस सस्पेंशन जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, केम विद प्रॉब्लम ऑफ द यूरिन इनकॉन्टिनेंस, हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रेस एंड द। अब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का तो पता है कि आपको कभी भी कफ या फिर किसी और मतलब स्ट्रेस की वजह से होगी, ठीक है, जबकि अर्ग इनकॉन्टिनेंस होती है पेनलेस लॉस ऑफ द यूरिन कंक्रीट विद वल्सल्वा, अर्ग इनकॉम्पिटेंट होता है कि आई हैव गो टू बाथरूम एंड नो अल टू वॉइड, मतलब अर्जिंग होती है लेकिन कैन नॉट मेक दे देना टाइम, और उसे टाइम पे कर भी नहीं सकता, ठीक है। इसमें बेसिकली अर्ग इनकॉन्टिनेंस जो है ना, ये है बेसिकली कि इनवॉलेंट्री लीकेज ऑफ द यूरिन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इमीडिएटली प्रोसीड बाय द अर्जेंसी, मतलब कि इनवॉलेंट्री जैसे स्टार्ट हुई उसे लगेगा कि यूरिन आ रहा है लेकिन उसे नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने पूछा है एलिमेंट्स ऑफ द कंजर्वेटिव के अभी हमने पढ़े हैं, यही जो ऊपर बताए थे, एडवाइस अबाउट द फ्लूइड इनटेक रिडक्शन, द कैफीन इनटेक, पेल्विक मसल एक्सरसाइज, ब्लड रीट्रेनिंग, वेट रिडक्शन, शॉर्टनिंग द सेकंड स्टेज और डिक्रीज द ट्रॉमेटिक डिलीवरी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, वजाइनल ब्लड प्रेजेंट इन द गायनेकोलॉजी विद द कंप्लेन ऑफ द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ऑन कफिंग, स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, ये कंफर्म हो गई। अब इसके अंदर उन्होंने पूछा कि रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो हमने पढ़ा था इसके अंदर रिस्क फैक्टर मल्टीपैरिटी हो सकते हैं, मल्टीपैरिटी हो सकती है, ट्रॉमेटिक डिलीवरी हो सकती है, फोर्सेप्स डिलीवरी हो सकती है, ठीक है, पेरिनियल ट्रॉमा हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, पोस्ट मेनोपॉज बेबी का वर्ड जो है 4 kg से ज्यादा है, क्रॉनिक कफ और या फिर एल्फेरोजेनिक एंटागोनिस्ट यूज़ करें फॉर द हाइपरटेंशन, डिफरेंट ऑप्शन फॉर द ट्रीटमेंट, तो इसके अंदर भी वही आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लिखेंगे, सर्च के अंदर TVT मिड यूरेथ्रा टेप और कॉल्पस सस्पेंशन। नेक्स्ट देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ द यूरिन ऑन द इनकॉन्टिनेंस ट्रीटमेंट एज वाइज, वही सेम आएगी, डायग्नोसिस ऑफ द इनकॉन्टिनेंस, एम्स ऑफ द सर्जरी, अब उन्होंने सर्जरी का बताया हुआ। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि रोल ऑफ द TVT क्या होता है इसके अंदर, ठीक है, तो वही जो मैंने आपको बताया कि TVT जो ये टेप होती है बेसिकली क्या करती है, लिसन करती है यूरिन लीकेज को, ठीक है, यूरिन लीकेज को कम करती है। और नेक्स्ट देखें, कम्स विद इनबिलिटी टू होल्ड द यूरिन फॉर द लॉन्ग टाइम, शी ड्रिबलिंग विद द कफ, कफ की बात होगी, मतलब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपने वही सारी मिड स्ट्रीम यूरिन लिखना है, ठीक है। इसके अलावा आपने जो हमने वीडियो सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी करवाई थी, ठीक है, सिस्टो यूरिथ्रोस्कोपी करवाई थी, ठीक है, यूरोफ्लोमेट्री, MRI, पेल्विक अल्ट्रासाउंड, ठीक है, ये सब चीज़ें लिख देनी आपने। नेक्स्ट इसके अलावा जो है ना TVT को, ये भी प्रोसीजर भी पूछ सकते हैं, तो इसके अंदर ये आप लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है, फिर सब जो यूरिथ्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इंसर्शन करते हैं प्रोलीन की टेप अंडरलाइन मिड यूरिथ्रा और टू द स्मॉल वजाइना, वजाइनल ओपनिंग विद टू टाइनी एब्डोमिनल इंसियन देते हैं, वजाइनल ओपनिंग करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, ओल्ड 35 ओल्ड मल्टीपैरा प्रेजेंट विद द हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेंस्ट्रुएशन अर्जेंसी एंड द इनकॉन्टिनेंस, इसका जो मिडस्ट्रीम यूरिन नॉर्मल था, सिस्टोमेट्री पे देखा तो कॉन्ट्रैक्शन ऑन द फिलिंग पे कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो डिट्रोसर की ओवर एक्टिविटी होगी, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा था कि कौन सी ड्रग देनी, एंटीकोलिनर्जिक, ऑक्सीबुटाइनिन देंगे, प्रोपिवरीन देंगे, ठीक है, ट्रोस्पियम देंगे, टोलटेरोटीन देंगे, फर्स्टोरेडीन देंगे, ठीक है, सोलिफेंसिन देंगे और डिफेंसिन। इसके अलावा इसके अंदर जो सर्जरी करते हैं, हमने पढ़ी है कि सेक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन कर सकते हैं, बॉटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन दे देंगे, ठीक है।